नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कंचन, एसडीओपी गोहद परमाल सिंह के मार्गदर्शनानुसार मुखबिर तंत्र के जरिए लगातार सूचना मिल रही थी कि माया राम यादव वाहन चोरी करने में सक्रिय है, जो किसी वारदात की नियत से कस्बा मऊ बस स्टैंड पर खड़ा था, जिसको तत्काल ही थाना प्रभारी राम बाबू सिंह यादव के द्वारा पुलिस के जवानों की मदद से पकड़ लिया गया, जिसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए जब आरोपी को थाना मऊ लाया गया, तब नगर पालिका के द्वारा थाना मऊ में सैनिटाइज कराया जा रहा था, जिसका पकड़े गए आरोपी ने फायदा उठाया। पुलिस को व्यस्त देख चकमा देकर मोटरसाइकिल से भाग निकला। आरोपी को थाने से भागते देख तत्काल थाना प्रभारी राम बाबू यादव के द्वारा प्राइवेट वाहन से पीछा किया गया। आरोपी को ग्वालियर सिरोल रोड पर पकड़ लिया गया। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना नाम माया राम, पिता जंडेल सिंह यादव बताया। उप निरीक्षक नितेंद्र सिंह, उप निरीक्षक अभिषेक सिंह के द्वारा जब कड़ी पूछताछ की गई तो आरोपी के द्वारा चोरी स्वीकार की गई। आरोपी के कब्जे में एक मोटरसाइकिल भी चोरी की बरामद की। आरोपी ने मोटरसाइकिल चोरी बरादरी मुराव मार्च माह में चोरी करना कबूल किया एवं आरोपी ने 28 व 29 जून को हुरावली ग्वालियर से एक स्वराज ट्रैक्टर मैट्रॉली के साथ चोरी करना बताया। दिनांक 7 जुलाई 2020 को कस्बा मऊ से मोटरसाइकिल चोरी करना बताया। इस अपराध में गोपाल सिंह, पिता वेदराम यादव ने एक ट्रैक्टर स्वराज 735 ट्रैक्टर एवं आरोपी रामेश्वर यादव, पिता कप्तान सिंह यादव के कब्जे से एक चोरी की ट्रॉली बरामद की गई, जिसको उप निरीक्षक नितेंद्र सिंह मावई के द्वारा विधिवत अपराध में संलिप्त पाया गया, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी ने बताया ग्वालियर भिंड दतिया लहार डबरा सोनागिर रौन मालनपुर आदि इलाकों से कई वाहन चुराए हैं। थाना प्रभारी मोराम बाबू यादव के द्वारा सातिर चोर गिरोह का खुलासा कर सभी थाना प्रभारियों को सूचना भेज दी गई, जिससे चोरी किए गए वाहन भी बरामद किए जा सके। प्राइम न्यूज 24 के लिए इमरान अली खान की रिपोर्ट। जो आपने जिले में कार्रवाई की है वो कैसे की सर, आपको सूचना कहाँ से मिली? ये सूचना हमको जो है मुखबिर के माध्यम से मिली थी। जी सर। और मुखबिर के माध्यम से सूचना मिलने पर इस कार्रवाई को हमने अंजाम दिया है और आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे। हमने जो है मऊ कस्बा में, मऊ के आसपास जो है अपने थाना क्षेत्र में नहीं, पूरे भिंड जिले में ही जो है हमने अपना मुखबिर तंत्र फैला रखा है और लगातार हम जो है जिले सर में, अपना आरोपी माल कैसे गलाती थी? ये माल आरोपी जो है अभी जो पूछताछ में इनसे पता लगा है, ये पूरा माल अपना जो है ये यूपी में ले जाते हैं और यूपी में एक घटसान जगह पड़ती है, वहाँ इनने बेचा है। एक मनिया पड़ता है, वहाँ भी इनने बेचा है। धौलपुर के पास में, आगरा के पास में, आगरा भी एक बड़ी मंडी है, वहाँ भी इन लोगों ने कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली और ले जाके गलाए हैं, जो इनने अन्य अलग अलग जगह से जो है ग्वालियर डबरा दतिया और भिंड में भी लाहार रौन मालनपुर से ट्रैक्टर चोरी करना। इसमें सर प्रमुख आरोपी कौन कौन है सर? इसमें जो मेन मुख्य आरोपी है वो है मायाराम यादव, निवासी किटेना, हाल जो उराली कॉलोनी बी ब्लॉक। जी सर। और सर इसके अलावा इन्होंने अपने माल गोपाल यादव और किसको गलाया सर? और इसके जो साथी है वो गोपाल यादव है, वो भी चोरियों में, एक आध दो चोरियों में इसके साथ में भी रहा है, और रामेश्वर यादव है, वो उससे ट्रॉली बरामद हुई है। ठीक है सर।